मौसम नहीं सा गर्म गर्म हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज था जुम्मे का दिन, हम तैयार हो के जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाई जाए, व्लॉग बनाया जाए और आप सबको दिखाया जाए। तो ये ब्रिज है हमारे घर के पास ही, तो हम ये क्रॉस करके जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मस्जिद है ना जो पास नहीं होती, काफ़ी फासले पर होती हैं। गाड़ी पर जाया जाता है, गाड़ी पर 10-15 मिनट लग जाते हैं, लेकिन पैदल जाना बहुत मुश्किल है। पैदल जा सकते हैं लेकिन वो तकरीबन फिर 1 घंटा लग जाएगा, 1-1.5 घंटा पैदल आपको वॉक करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा कि बंदा गाड़ी यूज़ कर ले इसके पास है, वरना बंदा अकोमोडेशन ही ऐसी जगह पे ढूंढे जहाँ पे मस्जिद करीब हो। ठीक है, तो हम ये गाड़ी पे जा रहे थे, ये हम पहुँच गए मस्जिद के करीब, गाड़ी पार्क कर दी और हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। हालत को इग्नोर करें क्योंकि सो के लेट उठे थे, तो हालत ऐसी है। ये जुमा पढ़ने के बाद मैंने एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था ताकि आप लोगों को दिखाया जा सके कि मस्जिद का अंदर का व्यू कैसा है। ये असल में पाकिस्तानी मस्जिद है और बिल्कुल पाकिस्तान वाली फीलिंग आ रही थी कि जैसा कि आप लोग पाकिस्तान में नमाज़ पढ़ रहे हो। यहाँ पे खुतबा इंग्लिश में नहीं होता और अरबी और उर्दू में ही होता है। जी, हम जुमा पढ़ के बाहर आ गए हैं। ठीक है, हर तरह की दुनिया। ये जुमा पढ़ के हम वापस जा रहे हैं, अब मस्जिद ये है, ये अब हम वापस जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे मुस्लिम, ये देखें वो चाचू अपने दोस्तों के साथ मिल रहे हैं और मेरे साथ मिस्टर बैदुर रहमान, समुंदरी की आन, समुंदरी की शान। अच्छा, मैं ना ये मसला एक है कि ये फ्लिप नहीं होती वीडियो, तो ये वीडियो रोक के दोबारा फ्रंट कैमरे से ऑन करनी पड़ेगी। अच्छा भाई, हम यहाँ पे फुल देसी लिबास पहन के, मतलब कि अपना इधर को जाना है। अच्छा, आ जा। अच्छा, हम फुल ये अपने शलवार कमीज पहन के आज जुम्मा पढ़ने गए थे। मैंने कहा आज भाई शलवार कमीज पहन के जाते हैं क्योंकि जुम्मे का दिन है, बाद में तो टाइम नहीं मिलना हमें ये पहनने का क्योंकि बंदा काम में बिजी होता है। सही है, तो यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग रश होता है मस्जिद में। ये नहीं कि 2-4 लोग आए, ये ना समझो कि आप ये यूके में हो और यहाँ पे लोग नमाज नहीं पढ़ते, बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग होते हैं यहाँ पे, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, बांग्लादेशी, इंडियन, जो मुस्लिम होते हैं, नाइजेरियन, अफ्रीकन, बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज से जान जान से भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह जुमा पढ़ते हैं और वो अल्लाह को याद करते हैं इस मुल्क में भी, क्योंकि अब हम यहाँ पे पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। अब हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, मैं वहाँ जाकर ना आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। शॉपिंग मॉल है, उसकी पार्किंग में गाड़ी इधर शॉपिंग मॉल है ये। तो अभी हम ये टाइम हो गया तकरीबन 2:30, अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया, हम उठे लेट थे, आज 1 बजे उठे हैं, तो नहा के हम जुमा पढ़ने चले गए हैं। तो चाचू ने बोला चलो आके हम सभी नाश्ता करते हैं, नाश्ता और लंच इकट्ठा ही होगा आज। मैं आपको ये पार्किंग दिखाता हूँ, अभी रुको। अच्छा, तो ये है पार्किंग जहाँ पे हम आ रहे हैं, ये है एक शॉपिंग मॉल यहाँ पे ना असदा के नाम से, तो इसकी पार्किंग है। ठीक है, ये सारी तो हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क की थी, ये देखें गाड़ियाँ यहाँ पे, छोटी गाड़ियाँ बहुत कम नज़र आती हैं। ये तो अभी पार्किंग की वजह से, जुमे की वजह से मेरे ख्याल से नहीं है यहाँ पे रश इतना या
गाड़ियाँ नहीं है वरना यहाँ पे वो देखो हम ये अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं देख रहे हैं कहाँ पे वहाँ पे है वो है ठीक है ये है भाई साहब ये साइड पे ये खड़ी है अच्छा तो ये हम आ गए हैं हम चाचू का वेट करते हैं अब ठीक है वो चाचू आ रहे हैं ठीक ये गाड़ी अनलॉक कर दी चाचू ने दूर से चाचू ने कहा कि आप लोग बैठो तो ये बैठ गए भाई जी लो जी चाचू आ गए हैं तो अब हम जाने लगे हैं घर की तरफ ठीक है सीट बेल्ट लगाओ भाई हाँ जी मौसम बहुत जबरदस्त है आज नाइस आई थिंक 2021 नहीं शायद 20 पे हाँ जी खुद ही उतरो खुद ही डालो सारा पेट्रोल और पैसे पे करके तो फिर अच्छा तो हम कार पहुंच चुके हैं ठीक है गाड़ी पार्क हो गई है और ये घर है एक ये गाड़ी खड़ी है तो ये घर है बाकी ये सोसाइटी आप देख लें एक दफा ठीक हो गया आ जाओ।